एवरीवन, तो आज हम इंपीरियल एंड मी का पार्ट फर्स्ट एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो स्टोरी शुरुआत होती है हमारे टैंग गॉड पान हुआन से, जो कि एक मॉडल लड़की के लिए टोटली फॉल इन लव हो जाते हैं। और यहाँ पर वो एक रिचुअल करने वाले होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लवर को इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे को ढूंढ सकते हैं। और तभी उस रिचुअल में अपना इंटरफेयर करने के लिए एक विलन आ ही जाता है, जो जिसने काले कपड़े पहने हुए होते हैं। इसकी शक्ल हमें तो हमें नहीं दिखती, जो कि इस रिचुअल में इंटरफेयर करता है। और यहाँ पर वो टाइम गॉड पे अटैक भी कर देता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड सामने आ जाती है, जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है। और अब किसी की गर्लफ्रेंड को कोई चोट पहुँचाए तो उसके बॉयफ्रेंड को तो भाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और हमारे टाइम गॉड को भी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद दोनों में फाइटिंग शुरू होती है, जिसके बाद हमारे टाइम गॉड उसे निपटा देते हैं। इसके बाद टाइम गॉड अपनी लवर के पास जाते हैं, जहाँ पर ये सेक्रीफाइस कर देते हैं और अपनी लवर को एक निशानी के तौर पर एक टैटू सा कोई उसके हाथ पर छोड़ जाते हैं। और वो उससे प्रॉमिस करते हैं कि तुम जहाँ पर भी होगी मैं तुम्हें ढूंढ ही लूँगा। और इसी के बाद टाइम गॉड गायब हो जाते हैं, और इस जन्म में तो इनकी लव स्टोरी अधूरी रह जाती है। और इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हमारी फीमेल लियोशी, जो कि अब प्रेजेंट टाइम में रहती है, और इसके हाथ पे अभी भी वही मार्क होता है जो कि हमारे टाइम गॉड ने दिया हुआ था। और ये उसकी मदद से टाइम ट्रेवल कर सकती थी, और ये कभी कभी टाइम ट्रेवल करके दूसरे एरा में पहुंच जाती है। और जब अपनी फ्रेंड्स को ये बात बताती है कि भाई आज वो किसी और एरा में चली गई थी, तो उसमें कोई भी यकीन नहीं करता और सब सोचते हैं कि ये बस मजाक ही कर रही है। और ऐसे ही एक बार वो एम्पीरियर की दुनिया में चली जाती है, और यहाँ पर उसके ऊपर कुछ सामान गिरने वाला होता है, तभी एक स्मार्ट सा एम्पीरियर उसकी जान बचा लेता है। और इसके बाद लियोशी की फ्रेंड उसे उसके सपने से जगाती है, और इसके बाद लियोशी जाग जाती है, और फिर वो सोचती है क्या एक फिर से सपना ही था। और यहाँ पर लियोशी ने एक वेबसाइट बनाई हुई थी, जिसमें किसी भी बंदे को उसका लाइफ पार्टनर वहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर जब अपना व्यूअर अकाउंट चेक करती है, तो यहाँ पर वो पाती है कि उसके क्लाइंट है वो इस बारे में बहुत ज्यादा झगड़ा कर रहे होते हैं। और क्लाइंट को ऐसे झगड़ा करते हुए देखकर वो सीधे अपने हॉस्टल पहुंचती है, जहां पर उसकी एक फ्रेंड रूफटॉप पर बैठी होती है, जहां पर ये दोनों उसे उतारने की कोशिश करती हैं। और जहां पर ये फ्रेंड बताती है कि वो तो बस यहां पे अकेला टाइम बिताने के लिए आई थी, और उसका सुसाइड करने का कोई भी मूड नहीं है। और इसके बाद दोनों उसका उतरने में मदद करते हैं, क्योंकि उसके पैर हिल नहीं पा रहे थे। और जब ऐसे छत पर खड़े रहेंगे तो नीचे वाले लोग तो नोटिस कर ही लेंगे, तो ऐसे ही यहाँ पर भी सभी लोग नीचे से उन्हें देख ही रहे थे। इसके बाद दोनों फ्रेंड अपने तीसरे फ्रेंड को वहाँ से खींच ही रहे थे, तभी दोनों वहाँ से फिसल जाते हैं और बिल्डिंग से गिरने लगते हैं। और तभी हमारी लियोशी की शक्तियाँ काम आ जाती हैं, और फिर से टाइम ट्रेवल कर ही जाती है। और इसके बाद दोनों कोई अनफेमिलियर जगह पे पहुंच जाते हैं, सीधी सी बात हमें कहें तो इंपीरियर वाले एरा में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर अपने मेल लीड केशा को देखे हैं, जो कि लियोशी को देखते ही पहचान जाते हैं कि ये तो वही लड़की है जिसकी जान मैंने उस दिन बचाई थी। मतलब कि लियोशी जो भी अपने सपने में देखती है वो हकीकत में होता भी है। और यहाँ पर लड़ाई चल रही होती है, जहाँ पर वो लियोशी और उसकी फ्रेंड को भी बंदी बना लेते हैं। और इन दोनों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि भाई हम कहाँ से गिरे और कहाँ गिरे। और लियोशी को भी बातें याद आ जाती हैं कि जो उसने सपने में देखा था वो असलियत में हकीकत ही थी। उसके बाद केशंग दोनों को अपने दरबार में बुलवाता है, जहाँ पर वो लियोशी के सामने एक प्रस्ताव रखता है कि वो उसकी रानी बन जाए, क्योंकि जब वो उसके राज में आई थी तो वो आसानी से अपनी लड़ाई जीत गया था, और वो सोचता है कि लियोशी उसके लिए गुड लक है। और यहीं पे लियोशी का दिमाग तो चकराया हुआ होता ही है कि भाई वो कहाँ आ गई और यहाँ पर उसे रानी बनना पड़ रहा है। और यहाँ पर वो उसे कुछ टाइम का मांगती है, जिस पर केशंग उसे 3 दिन का टाइम दे देता है। और यहाँ पर वो कहता है कि 3 दिन से ज़्यादा तो नहीं दे सकता, और उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। मतलब क्या चटमंगनी पट गया। और यहाँ पर लियोशी वापस आकर भागने की कोशिश करती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड कहती है अगर हम अचानक से चले गए तो सब लोगों को हम पर शक हो जाएगा कि हम कहाँ से आए और कहाँ भाग गए। उसके बाद ये दोनों हेल्प लेने के लिए केशंग की मॉम के पास जाती हैं, और यहाँ पर उसकी मॉम उन्हें अदाब से सलाम करती हैं। और यहाँ पर केशंग की मॉम उन्हें भागने का रास्ता भी बता देती हैं, जो कि उन्हीं के कमरे में उनके बेड के नीचे होता है। और यहाँ पर केशंग को भी ये बात पता चलते देने लगती है कि ये दोनों भाग गई हैं। और यहाँ पर वो किले के पीछे वाले दरवाजे से निकल रही होती हैं, तभी केशंग और उसके सैनिक आकर उन सभी को पकड़ लेते हैं, जहाँ पर केशंग की माँ उससे वहीं पर बैठकर माफ़ी मांगती हैं कि सारी गलती उनकी है और इन दो लड़कियों का कोई दोष नहीं है। उसके बाद केशंग अपनी मॉम को मारने वाला ही होता है, तभी लियोशी उसको आकर रोक लेती है। और यहाँ पर वो आकर उसका हाथ पकड़ लेती है, और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, और वंस अगेन उसे शॉक लगता है।
और वो दोनों फिर से प्रेजेंट टाइम में पहुंच जाते हैं, जहाँ बेकिन चेंग लियोशी को पकड़ता है और उससे कहता है कि तुम मुझे वापस भेजो। और यहाँ पर पब्लिक भी आसपास जुट जाती है, और जब किन चेंग लियोशी को पकड़ने लगता है तो पीपल उससे उसका हाथ छुड़वाती है। और यहाँ पर सभी लोग बहुत उसे बहुत अजीब तरीके से देख रहे होते हैं, क्योंकि भाई उसने अजीब कपड़े पहने हुए थे और वो तलवारें चलाते जा ही रहा था। उसके बाद किन चेंग को पुलिस पकड़ के ले जाती है, और यहाँ पर हमारे किन चेंग की राजाओं वाली हरकत अभी भी नहीं जाती है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा राजा हूँ तो मुझे छोड़ो और मुझे सलाम करो, ना कि मुझे बंदी करो। और यहाँ पर लियोशी वापस आकर बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि वो एक तो अपनी फ्रेंड को उसी राह में छोड़ आई थी और एक जो किन चेंग को यहाँ पर उठा लाई। और जब लियोशी अपनी फ्रेंड को कॉल करती है, जो कि उस दिन छत से कूदने वाली होती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड बताती है कि उसकी याददाश्त तो उतनी चली गई है जब वो गिरी और उसे वो बात कुछ भी याद नहीं है। पर ऐसे ही इस इंसिडेंट के बारे में सभी लोग भूल जाते हैं और किसी को भी कुछ भी याद नहीं रहता। और ये बात सुन के लियोशी को भी थोड़ा अचंभा लगता है कि भाई तुम्हारी मेमोरी ही उड़ गई उतनी बातों की। उसके बाद किन चेंग पुलिस को लेकर लियोशी के घर पर आता है, क्योंकि किन चेंग के पास लियोशी का आईडी कार्ड रह गया था। और उसके बाद पुलिस तो चली जाती है, लेकिन किन चेंग उसी घर में घुस आता है, क्योंकि भाई उसके के पास तो घर है ही नहीं और वो उसे किसी को भी जानता भी नहीं है। और हमारे किन चेंग को बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी, अब राजाओं महाराजाओं का खाना तो उसे यहाँ पर नहीं मिलेगा। और यहाँ पर लियोशी उसे नूडल्स खाने के लिए देती है, लेकिन बंदा की राजाओं महाराजाओं वाली आदतें कहाँ जाने वाली होती हैं। वो पहले लियोशी से कहता है कि तुम पहले इसे टेस्ट करो, कहीं तुमने इसमें जहर तो नहीं मिला दिया और मैं मरना चाहूँ। जब लियोशी उसे टेस्ट करती है, तब हमारा किन चेंग उसे खाता है। वो असली परेशानी तो हमारी लियोशी को लग रही थी, और वो सोच रही थी कि अब मैं इसे कहाँ रखूँ यार। उसके बाद वो किन चेंग का गेटअप चेंज करती है और उसे एक फनी सा लुक दे देती है। और किन चेंग जब लियोशी के घर पर था तो लियोशी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़ती है, क्योंकि उसके मैम डैड उसी के घर पर रहते ही हैं। और यहाँ पर उसे किन चेंग को कवर में भी छुपाना पड़ता है ताकि उसकी मॉम उसे देख ना लें। उसके बाद सोने की बात आती है, जहाँ पर किन चेंग आराम से बेड पर सो जाता है, और वो लियोशी से कहता है कि तुम मेरे बगल में सो सकती हो क्योंकि तुम मेरी क्वीन बनने वाली हो। उस पर लियोशी कहती है कि तुम क्वीन के बारे में तो भूल ही जाओ यार। इसके बाद किन चेंग आराम से राजाओं की तरह बेड पर सोता रहता है, हमारी लियोशी को ज़मीन पर सोना पड़ता है। तो अब वो कर भी कह सकती थी, अब मुसीबत लाई है तो उसे खुद ही झेलना पड़ेगा। उसके बाद जब किन चेंग सुबह उठता है तो उसे अजीब सा रैशेस हो जाते हैं, और इसके बाद लियोशी उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके एलर्जी इसलिए हुई है क्योंकि कुछ सडन चेंजेस की वजह से बहुत ही ज़्यादा जल्दी कुछ और चीज़ें ट्राई करने की वजह से या फिर किसी और एनवायरनमेंट के आने की वजह से ये एलर्जी हो जाती है। और यहाँ पर हमारे किन चेंग ने तो भाई पूरी दुनिया ही चेंज कर ली, तो उसको रैशेस तो बनते ही हैं। और यहाँ पर डॉक्टर लियोशी से उसकी फ्रेंड के बारे में सोच पूछते हैं, क्योंकि वो उसकी फ्रेंड इसकी गर्लफ्रेंड है और उसका फ़ोन तो बंद आ रहा है, क्योंकि भाई अब वो तो इंपीरियर टाइम है तो उस पर फ़ोन कैसा लगेगा। और यहाँ पर लियोशी भी कुछ खास जवाब नहीं दे पाती, और यहाँ पर वो उसे सारी स्टोरी बता देती है, जहाँ पर वो पहले तो यकीन नहीं करता लेकिन उसे यकीन करना ही पड़ता है। और यहाँ पर लियोशी कहती है कि मुझे भी उसकी चिंता है और वो उसी किंगडम में रह गई है और मुझे उसे वापस लाना है। और यहाँ पर लियोशी ये बातें सोच सोच कर अपना सर पकड़ के वहीं पे बैठ जाती है। इसके बाद वो दोनों किन चेंग को अपने हॉस्टल रूम में लाते हैं, और यहाँ पे किन चेंग उल्टा डॉक्टर पर अटैक कर देता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा मुझे, क्योंकि मुझे अपने इंपीरियर टाइम में भेज दो और मुझे अपने देश वापस जाना है, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहना। और यहाँ पर लियोशी उसे रोकती है कि भाई तू उसे मार ना डाले बिल्कुल। और यहाँ पर वो लियोशी पे भी चाकू से वार कर देता है, मतलब कि वार नहीं करता, बस उसे दिखा देता है ताकि उसे अजीब सा डर लग जाए जैसे कि पिछली बार लगा था, और वो फिर से अपने इरादे चेंज कर लें। लेकिन इस बार लियोशी को कुछ भी ऐसा नहीं होता और वो दोनों वहीं पर वहीं रहते हैं। उसके बाद लियोशी की फ्रेंड उसके पास आती है और वो उसे एक पार्टी में जाने के लिए इन्वाइट करती है। इसके बाद वो सभी एक पार्टी में जाते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि लियोशी की ये फ्रेंड कुछ ज़्यादा अच्छे इंटेंशन के साथ तो नहीं है, क्योंकि वो लियोशी की बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक करवा देती है, जिसके बाद लियोशी के सारे होश उड़ जाते हैं। और यहीं पर वो लियोशी की फ़ोटो एक बंदे के साथ खींच लेती है और उसे पोस्ट करती है। और यहाँ पर जैसे ही डॉक्टर उसे अपने फ़ोन में दिखता है और किन चेंग भी उसे देख लेता है, तो हमारा किन चेंग तो बहुत ही ज़्यादा आग बबूला हो जाता है और वो सोचता है कि भाई मेरी क्वीन के साथ कोई कैसे गुलछर्रे उड़ा सकता है, मतलब कि गुलछर्रे तो छोड़ो यार, उसे टच कैसे कर सकता है क्योंकि वो मेरी रानी है। और फिर वो आग बबूला होकर पार्टी में जाता है और उस जो भी बंदा होता है उसे पटक पटक के मारने लगता है, और उसे जैसे बन पड़ता है लातों से घूसों से उसे मारता ही जाता है, और यहाँ पर भी सभी के होश उड़ी जाते हैं।
अब इतना मारपीट करेगा तो पुलिस का आना तो बनता ही है। और यहाँ पर पुलिस उसे दोबारा देखकर सरप्राइज होती है। वो कहती हैं कि तुम फिर से आ गए, जहाँ पर डॉक्टर सारी बातें क्लियर करते हैं और वो कहते हैं कि ये सब एक गलती की वजह से हुआ था। और जब उसकी गर्लफ्रेंड को कोई टच करेगा तो भाई बॉयफ्रेंड को तो गुस्सा आएगा ही। और इतनी सिफारिश करने के बाद फाइनली पुलिस उसे छोड़ देती है। और पीछे हमारी लियोशी भी अभी वो नशे में ही रहती है, उसे अच्छे से होश नहीं आया होता है। उसके बाद डॉक्टर अपने काम से चले जाते हैं और यहाँ पर ये दोनों रह जाते हैं, जिस पर लियोशी कहती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए और मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी की हुई गलती का रिग्रेट भी नहीं है। जहाँ पर हमारा किनशा बोलता है ऑब्वियस है मुझे इसका रिग्रेट क्यों होगा, और उससे कहता है कि तुम मेरी क्वीन हो और जब तुम्हें कोई टच करेगा तो मेरा गुस्सा होना तो बनता ही है। और इसके बाद दोनों रूफटॉप पर जाते हैं, जहाँ पर लियोशी सोचती है कि जहाँ से एक गड़बड़ी शुरू हुई थी वहीं से ख़त्म करते हैं। जहाँ पर केंशंग उसे रुकता है और वो कहता है कि तुम अपनी जान दोबारा खतरे में मत डालो। उसके बाद सुबह हम फिर से केंशंग को देखते हैं, जहाँ पर उसे भूख लगती है तो वो सारे कमरे में धुआं धुआं कर देता है और आग जला लेता है। और जैसे ही हमारी लियोशी उठती है वो उसे आग को बुझाती है और सारी खिड़कियाँ खोलती है और उसे कहती है पागल तुमने पूरे कमरे में धुआं धुआं कर दिया। और यहाँ पर वो उसे भूख लग रही थी तो उसे फिर से नूडल्स खाने के लिए देती है। और इसी के साथ गाइस हमारा पार्ट फर्स्ट ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और साथ में सब्सक्राइब भी यार, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और मुझे कमेंट बॉक्स में नए नए ड्रामा सजेस्ट करते रहा करो यार, क्योंकि मुझे जब कोई ड्रामा सजेस्ट करता है तो मुझे वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।